हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। सी चैप्टर 5। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड business activities. They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry FICCI in 1927. Led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement. When it was first launched, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. But after the failure of round table conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger member of the Congress. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं थर्ड ग्रुप के बारे में जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड, इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितनी भी ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में माल बनाने में इन्वॉल्व हो गई और इंडियन इंडस्ट्री बुस्टअप हो गई, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल गया और काफी पावरफुल भी होगी इंडियन इंडस्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की इच्छुक होकर के जितने भी बिजनेसमैन थे, कीन का मतलब होता है किसी चीज का इच्छुक होना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के इच्छुक हो गए तो अब उन्होंने है ना कॉलोनियल पॉलिसी के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि काफी पावरफुल हो गए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की उनकी इच्छा कीन बढ़ गई बिजनेसमैन की। तो अब वो है ना ताकतवर होने के बाद आदमी किसी को आंखें दिखाने लग जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन दिखाने लगे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी जो उनके बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी, रोकती थी। तो जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में पैसा कमाया तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या शुरू कर दिया, आपके रिएक्शन करना उनके ऊपर शुरू कर दिया। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरन गुड्स, क्योंकि जितनी भी फॉरेन गुड्स कंट्री में आती थी वो इंडियन बिजनेसमैन को क्या कर देती थी, आपके उनके बिजनेसमैन को, उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉयड कर देती थी। तो वो फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में क्या चाहते थे, इंडियन बिजनेसमैन प्रोटेक्शन चाहते थे और वो है ना रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज का रेशियो चाहते थे कि रूपी तो हो गया इंडिया की आपके ये। तो क्या क्या डिमांड थी बिजनेस क्लास की, एक तो फॉरेन गुड्स में क्या चाहते थे, फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्शन क्योंकि फॉरेन गुड्स सस्ती थी और उनकी गुड्स बिकती नहीं थी, फॉरेन गुड्स बिकती थी इसी वजह से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। और एक वो है ना रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, रूपी और स्टर्लिंग का एक है ना आपके बैलेंस रेशियो चाहते थे। रूपी तो हमारी करेंसी होगी और स्टर्लिंग पौंड स्टर्लिंग किसकी होगी, ब्रिटेन की, क्योंकि वैल्यू थी जो वो आपके स्टर्लिंग की ज्यादा थी रुपए की कम थी, वो एक बैलेंसिंग रेशियो चाहते थे दोनों के बीच में क्योंकि अगर रेशियो नहीं होता तो इंपोर्ट है ना आपके डिस्करेज नहीं होता। अगर रुपए की वैल्यू इतनी होती स्टर्लिंग जितनी, पाउंड स्टर्लिंग जितनी, तो इंपोर्ट डिस्करेज हो सकता था और वो यही चाहते थे, इंपोर्ट नहीं करना मंगवाना चाहते थे, मतलब कि चीजों को देश में नहीं आने देना चाहते थे। तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए इन बिजनेस ग्रुप ने, इंडियन बिजनेस ग्रुप ने जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपने दो संगठन बनाए, दो आपके उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक तो था आपके डबल आई सी सी,
मतलब कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और दूसरा बनाया उन्होंने फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बनाए उन्होंने फिक्की और डबल आई सी सी, उन्होंने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये दोनों के दोनों संगठन के लीडर कौन थे, हमारे जो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता मेन या मुख्य बिजनेस, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जी डी बिड़ला, ये दोनों के दोनों है ना इनके हेड थे, किनके, दोनों फिक्की के और डबल आई सी सी के। द इंडस्ट्रियल अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने आपके ना इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो कॉलोनियल कंट्रोल था, जो अंग्रेजों का कंट्रोल था, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, कोई हमला नहीं किया, सिर्फ है ना अपने संगठन के थ्रू उनका विरोध किया, यही अटैक था उनका। और सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया उन्होंने, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसको सपोर्ट किया जब सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट पहले लॉन्च हुआ। और उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी, फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब है बच्चों पैसे से किसी की सहायता करना, असिस्टेंट होता हेल्प करना। और कहा कि हम है ना फॉरेन गुड्स में क्या नहीं करेंगे, बाय और शेयर नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स को, मतलब कि फॉरेन गुड्स में हम है ना व्यापार नहीं करेंगे, और हम मूवमेंट को क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी हम देंगे, हेल्प भी देंगे। मोस्ट ऑफ बिजनेस केम टू स्वराज एज ए टाइम वेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड बी नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट। अनेक बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि जब है ना उनके बिजनेस से कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, कॉलोनियल मतलब कि अंग्रेजों की पाबंदी उनके बिजनेस से हट जाएगी जो उन्होंने एग्जिस्ट करके लगा रखी है, और उनकी ट्रेड और इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चल पाएगी बिना किसी कॉन्स्टेंट के, बिना किसी बाधा के, तो वो इसी को क्या मानते थे, स्वराज मानते थे। लेकिन स्टूडेंट्स जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया तो बिजनेस ग्रुप की भी जो आपके होप थी वो टूट गई, जिस तरीके से रिच पीजेंट की टूटी थी ना, उनकी रिवेन्यू डिमांड माफ नहीं हुई, तो बिजनेस ग्रुप भी है ना आपके यूनिफॉर्मली तरीके से एंथुजियास्टिक नहीं रहे, उतने आपके जोशपूर्ण तरीके से एक साथ होकर के भाग लेने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में। देवर अप्रिहेंसिव, और उनको एक चीज की और आशंका थी, एक चीज का डर था कि मिलिटेंट एक्टिविटी फैल सकती है, मतलब कि है ना आपके है ना उग्र गतिविधियां हो सकती हैं, मिलिटेंट जैसे हम कहते हैं ना आजकल टेररिस्ट को बोलते हैं, उनको ये भी डर था कि लोग तुम्हारे बिजनेस पे अटैक ना कर दें, यदि मतलब कि यदि मूवमेंट हो गया, मूवमेंट में क्या पता वायलेंस फैल जाए और मिलिटेंट एक्टिविटी हिंसा हो जाए। और वरिड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्टर्प्शन ऑफ बिजनेस, और वो इससे भी डरे हुए थे कि है ना क्या पता प्रोलॉन्ग लंबे टाइम के लिए उनका बिजनेस भी डिस्टर्प्ट हो जाए, डिस्टर्प्ट मतलब कि रुक जाए, एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस के यंगर मेंबर में सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ गया था, जैसे जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट थे, वो रशिया की विचारधारा को फॉलो करते थे, और सोशलिस्ट पता क्या होते हैं, वो बिजनेस क्लास में विश्वास नहीं रखते, सोशलिस्ट क्या होते हैं वर्कर को साथ देने में, वर्कर का है ना मतलब कि साथ लेने में बिलीव करते हैं। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, रिच पीजेंट पहला ग्रुप था पार्टिसिपेट करने वाला सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में, रिच पीजेंट के अपोजिट पुअर पीजेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा इंडस्ट्री के जितने भी मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अभी पता है इंडस्ट्री वालों के अपोजिट कौन होते हैं, वर्कर्स। तो अभी हम अगला पढ़ेंगे, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन, एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस वर्कर्स स्टेड अलूफ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट सिलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधियन प्रोग्राम लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओवन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेजेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, देर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधियन कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बायकॉट कैंपेन्स, बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेज।
तो स्टूडेंट्स अगला जो ग्रुप है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला वो कौन सा है, वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक्सेप्ट होता कीबजाए, सिर्फ छोटा नागपुर रीजन के अंदर पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने, किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, छोटा नागपुर आपके नहीं नागपुर रीजन में, सॉरी छोटा नागपुर नहीं नागपुर में, नागपुर कहां पे, महाराष्ट्र में, सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कांग्रेस है ना इंडस्ट्रियल्स के कैंप क्लोजर आ गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स का और आपके वर्कर्स का 36 का आंकड़ा था, मतलब उनकी आपस में बनती नहीं थी, तो कांग्रेस किसके क्लोज आ गई थी, कांग्रेस आ गई थी आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट के क्लोज आ गई थी कांग्रेस। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के जैसे ही कांग्रेस क्लोज आई तो वर्कर स्टेड अलूफ, वर्कर क्या हो गए कांग्रेस से दूर हो गए, तो वर्कर क्या हो गए कांग्रेस से दूर हो गए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इसके बावजूद सम वर्कर पार्टिसिपेट इन, सम वर्कर्स पार्टिसिपेट इन, लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, और खासकर कहां पे किया मैं बता देता हूं आपके, यहां पे मूवमेंट सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधी प्रोग्राम, और है ना सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग, उन्होंने गांधी के प्रोग्राम को भी अडॉप्ट किया, और फॉरेन गुड्स का बायकॉट भी किया, और लो वेजेस थी ना कम मजदूरी थी वर्कर्स की उनके बारे में भी उन्होंने क्या किया, उन विरोध किया, मूवमेंट किया। इसके साथ साथ है ना अपनी पूरे वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी उनकी डिमांड थी, क्या उन कौन सी थी भी, कि है ना आपके हमारी वेजेज अच्छी हो, हमारी पूर कंडीशंस हैं जो वर्किंग कंडीशन उनमें भी क्या हो, इंप्रूव हो, ये थी वर्कर की डिमांड। और रेलवे वर्कर्स ने 1930 में स्ट्राइक भी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, और जो डॉक वर्कर्स थे, मतलब कि है ना जो समुद्री जहाजों में के आसपास साफ करने का काम करते हैं वहां पे, उसको बोलते हैं डॉक वर्कर्स, उन्होंने 1932 में पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर छोटा नागपुर कहां पे, झारखंड में, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ वर्कर ने गांधी जी की कैप पहनी, गांधीयन कैप पहनी, और प्रोटेस्ट रैली निकाली, विरोध में रैलियां निकाली, और बायकॉट विरोध कैंप, मतलब कि बायकॉट बहिष्कार कैंपेन में भाग लिया। लेकिन कांग्रेस है ना वर्कर्स को इंक्लूड करने की हमेशा रिलुक्टेंट थी, रिलुक्टेंट मतलब कि आपके अनुचित थी, डिमांड्स एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, जो है ना आपके प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, जो वर्कर्स का है ना स्ट्रगल या प्रोग्राम चल रहा था ना आपके, लेकिन कांग्रेस वर्कर्स को अपने साथ नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इससे है ना ये डर था उनको कि है ना आपके एंटी इंपीरियल फोर्सेज उनके खिलाफ हो जाएंगी, और इसके साथ साथ है ना वर्कर्स उनसे एलिनेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एंटी इंपीरियल फोर्सेज कौन सी होगी बच्चों, एंटी इंपीरियल फोर्सेज वो होगी जो मतलब कि है ना आपके इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी, जो फोर्सेज मतलब कि साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, मतलब अंग्रेजों के जो खिलाफ थी।